साल 3 साल लगातार किया तो उसमें बड़ा फायदा होने लगा। पहले साल घर वालों ने, हमारे पिताजी ने, हमारे भाइयों ने, सब ने बोला कि नहीं भाई ये नुकसान हो जाएगा, ये मत करो, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है कि जब जैविक खेती करते हैं तो 1-2 साल नुकसान होता है, फसलें आधी हो जाती हैं, ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है। पर ऐसा हमारे सामने नहीं आया क्योंकि हमने उसको सही तकनीक से, सही तरीके से किया था, तो उसमें फायदा हुआ। पहले साल फायदा हुआ, अगले साल फिर और फायदा हुआ, उससे अगले साल और फायदा हुआ। घरवालों ने लगातार, पहले 20 बीघे में थी, अब हमारी 45 बीघे में चल रही है, और 45 बीघे में पिछले 10 साल से एक भी दाना यूरिया का, डीएपी का, या किसी भी केमिकल का, पेस्टिसाइड का हमने अपने खेतों में नहीं डाला, और आज तक नहीं डाला। और अब तो हमारे आसपास के 500 किलोमीटर के लोगों को, सबको पता है, क्योंकि जब हमें खुद मजा आने लगा तो हमने गांव गांव जाके ऐसे सेमिनार करना, किसानों को जागरूक करना, प्रोजेक्टर हमने ले लिया, गाड़ी में प्रोजेक्टर रखा, शाम को दिन डलते ही गांव में प्रोजेक्टर लगा दिया, किसानों को समझाना कि भाई ये तरीका। जब अन्ना हजारे जी दिल्ली में आंदोलन करते थे उस समय भी हम गांव गांव में किसानों को जैविक खेती के प्रशिक्षण देते थे। हमें किसी से कोई पैसा नहीं लेना था, हमें किसी से कोई भाड़ा नहीं लेना था, बस हमारा खुद का एक इंटरेस्ट था। आप 100 लोगों में से अगर एक व्यक्ति ने भी शुरू कर दी ना, एक व्यक्ति ने भी, तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि मेरे को लगेगा कि हाँ कम से कम एक व्यक्ति तो बदला, एक व्यक्ति ने तो अपने आप को बदला। तो ये सिस्टम क्या है और सबसे पहले खराबी क्या हुई है, अभी जो कर रहे हैं वो खराब है कि नहीं है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अब जो आप खेती कर रहे हो वो तरीका सही है कि नहीं है, ये समझना जरूरी है। इस खेती को बर्बाद करने के पीछे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र काम करते हैं, पूरे विश्व लेवल के। हमारे देश के बारे में हजारों सालों से ये बताया जा रहा है कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, पशुपालन प्रधान देश है, ऐसा तो सब सुनते ही हैं। हमारे देश की जो नाम सुना होगा उसका तो है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, उस समय हमारे देश के बारे में ऐसा बोला जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, मतलब हर घर में सोना चांदी ये सब, इतना धन धान्य से भरपूर हमारा देश होता था। और भरपूर क्यों था, इसके पीछे भी बहुत गहरी बात है। दुनिया में और कोई देश नहीं है धन धान्य से भरपूर जितना अपना भारत देश है, क्योंकि ये प्रकृति ने, भगवान ने एक बड़ा अद्भुत तरीके से इस देश को बनाया है। इस देश में सबसे बड़ी कृपया जो है ना, अद्भुत धन धान्य से भरने की, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो इस सूर्य देवता का है। ये जो सूर्य देवता हर रोज हमारे देश में आ रहा है ना, सुबह की पहली किरण हिंदुस्तान के ऊपर ही सूर्य देवता की पड़ती है, पहली किरण। अब जिस देश पे पहली किरण पड़ती है, बाकी दुनिया के और देशों में हमारे बाद में आता है सूर्य, हमारे देश में सबसे पहले आएगा, किसी देश में 5 मिनट बाद आएगा, किसी देश में आधा घंटे बाद आएगा, किसी देश में 4 घंटे बाद आएगा, किसी देश में रात को आएगा, हमारे यहां सुबह होती है, किसी देश में 10 घंटे बाद सुबह होती है। तो इसका मतलब सबसे पहले सूर्य देवता की किरण हमारे देश में पड़ती है, और इस सूर्य की ही देन है कि ये जो हर गांव में जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं, मसाले हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं, ये एक एक गांव में 2-2 हजार तरह की फसलें, अनाज, जड़ी बूटियां, ये सब हर गांव में हिंदुस्तान के होती हैं। एक गांव, आप अपने गांव में भी 2000 तरह की चीजें पैदा कर सकते हैं, ऐसी हमारे भारत की जमीन। ऊपर से हमारे भारत की जमीन इतनी उपजाऊ, इतनी उर्वरक, इतनी सोयल फर्टिलिटी है कि इस जमीन में कुछ भी डाल दो तो ये उसका 1000 गुना देती है। दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई फैक्ट्री है तो वो हमारी जमीन है, हमारी जमीन से बड़ी फैक्ट्री, किसान के लिए सबसे बड़ी फैक्ट्री उसकी जमीन है। आपसे मैं एक बात पूछता हूं, क्या आपने आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री सुनी है जिसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट करे और 6 महीने बाद में वो 1000 लाख दे दे, मतलब 1000 गुना प्रोडक्शन प्रॉफिट दे दे, ऐसा कोई भी नहीं है। 2 नंबर के धंधे में भी 1000 गुना शायद नहीं हो सकता, पर हमारी खेती में होता है। हम अगर 1 दाना बोते हैं ना तो उसके 1000 दाने निकल सकते हैं। 1 दाने में आपने बाजरे का 1 दाना बोआ तो उसमें 1000 से भी ज्यादा दाने निकलते हैं। आपने सरसों का 1 दाना बोआ तो उसमें 1000 दाने निकलते हैं सरसों के। इसका मतलब जमीन में तो कमी नहीं है, और भगवान ने, प्रकृति ने सबसे बढ़िया जो चीज बनाई है वो सूर्य देवता का पूरा है, क्योंकि सूर्य के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये भी आपको पता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें 8-8, 10-10 महीने तक सूर्य नहीं उगता, संडे नहीं होता, जो बर्फ। उन देशों के अंदर क्या होता है कि उन देशों में 8-8 महीने सूर्य नहीं उगता,
तो वहां तो जिस दिन सूर्य उगता है उस दिन वो सात बार दंडवत प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं आज संडे है, संडे हमारे तो यहाँ रविवार को बोलते हैं, और वहां संडे उस दिन बोलते हैं जिस दिन संडे सूर्य उगता है उस दिन को संडे बोलते हैं वो लोग। तो इसका मतलब, और हमारे एवरीडे संडे, हर रोज ही संडे होता है हमारे देश में, तो क्योंकि सूर्य भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि सूरज नहीं होता तो कोई फसलें नहीं होती। आपको पता है किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई दाना हम इस जमीन के अंदर उगाते हैं तो उसके 21 दिन बाद एक प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं, मतलब 21 दिन तक वो जमीन से भोजन लेता है कोई भी फसल होगी, और 21 दिन बाद वो सूर्य से लेना शुरू कर देती है। तो ये सूर्य के बगैर कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारे देश में सबसे बड़ा जो फायदा है जो प्रकृति की तरफ से, वो एक तो सूरज, और दूसरा हमारे देश की जो जमीन है ना, वो इतनी बढ़िया जमीन है। अब 20 30 40 50 साल में जो खराब कर दी वो एक अलग बात है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। हमारे देश में इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतनी भूखमरी क्यों, सोचने की बात है भाई। एक गांव में 2000 तरह के अन्न फसलें सब्जियां फूल फल ये सब पैदा होते हों, और वो देश भी गरीब है। उस देश का हालात ये है कि 140 करोड़ में से 85 करोड़ लोग गरीब हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। क्योंकि ये आपको समझना है कि ये जो षड्यंत्र है ना, ये अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है। पहले जो खेती होती थी उस समय क्या होता था, और अब ये षड्यंत्र के तहत खेती क्या की और क्यों की, किसने की, ये षड्यंत्र कहां से चल रहे हैं, ये चीजों को समझना जरूरी है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 1950 भारत 1947 में आजाद हुआ था एक कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं बता रहा था कि हमारे देश में 1620 में आई थी, और वो 250-300 साल तक हमारे देश में क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन की शहादत दी और लगातार 100-150 साल संघर्ष किया, और फिर जाके 1947 में एक कंपनी के लोगों को खदेड़ा। और हुआ क्या कि वो एक कंपनी चली गई, और उसके बाद में आज हमारे देश में करीबन करीबन 8,000 से 10,000 कंपनी विदेशी घुसी हुई, और वो हर तरह के सामान हमारे को दे रही है। वो खेती की जितनी केमिकल है, जितनी दवाएं हैं, जितनी यूरिया है, डीएपी है, 99% विदेशी कंपनी घुस गई। और वहीं खेती खेती में नहीं घुसी, हम सुबह से लेके शाम तक जो भी हमारे जीवन में उपयोग करते हैं, सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो विदेशी कंपनी आती है, उसके बाद नहाते हैं साबुन लेक्स लाइफबॉय वो विदेशी कंपनी का होता है, उसके बाद फिर हम कपड़े पहनते हैं वो विदेशी कंपनी के होते हैं, उसके बाद हम मतलब शाम तक जो भी कुछ करते हैं लगभग हमारे देश में विदेशी कंपनियां घुस गई। उसका कारण है क्योंकि एक कंपनी को भगाया और हमें 10,000 कंपनियों को और बुला लिया। तो आज हम पहले से ज्यादा मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। होते तो क्या आप अपने खेत में अपने लिए जो अनाज तैयार कर रहे हो उसमें जहर डाल सकते हैं? अपनी थाली में जहर डालना वो आजादी है? हम खुद, कोई दूसरा हमारे को कुछ नहीं बोल सकता। हमारी पावर है हमारे खेत में, हमारी खेत हमारी फैक्ट्री है। हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो अन्न तैयार कर रहे हैं, हमारे पशुओं के लिए जो हरा चारा तैयार कर रहे हैं, और उसके अंदर भी हम जहर डाल रहे हैं। तो मानसिक रूप से तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है। मैं बता रहा था कि 1947 में कंपनी को भगा दिया, उसके बाद क्या हुआ। एक कहानी तो है हमारे देश की ये कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है हजारों सालों। एक दूसरी एक देश के बारे में और बताता हूं आपको, अमेरिका एक देश है। अमेरिका देश के बारे में आपको जानकारी दूं तो अमेरिका की जो मुख्य कार्य धंधा होता है, जिसकी अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर चलती है, वो चलती है उनकी हथियार सप्लाई करते हैं। वो पूरी दुनिया में हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं, वो दुनिया भर के देशों की सेनाओं को भी बेचते हैं, वो आतंकवादियों को भी सप्लाई करते हैं, वो बदमाशों को भी सप्लाई करते हैं। दुनिया में जो हथियार बनते हैं, युद्ध का जो भी सामान बनता है, उसमें लगभग 90% का जो कब्जा है बनाने पे, मैन्युफैक्चरिंग का, वो अमेरिका करता है। अब जो देश का सबसे मुख्य धंधा हथियार बनाने का हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था तो तभी चलेगी जब हथियार काम धंधे ठप हो जाएंगे, उनकी फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगे, उनके रोजगार कम हो जाएंगे। तो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उनको हथियार बेचना जरूरी है। इसीलिए आप पीछे का 200 साल पुराना भी अगर स्टडी करोगे तो दुनिया भर में जितने भी युद्ध हुए हैं एक देश के दूसरे देश के बीच में, आप कभी ईरान और इराक का युद्ध हुआ है, 10 साल तक ईरान और इराक को लगातार हथियार सप्लाई की अमेरिका ने, सिर्फ बोला कि यहाँ तेल है, उस तेल के नाम पे 10 साल तक हथियार सप्लाई करते रहे।
कभी भारत पाक का युद्ध होता है, कभी भारत चीन का युद्ध होता है, कभी आपस में और किसी दूसरे देशों का युद्ध होता है। इनमें मैक्सिमम जो हथियार होते हैं वो अमेरिका से आते हैं, दुनिया भर की सेनाओं के पास। तो जिस देश के पास हथियार ज्यादा होंगे वो हथियार बेचेगा। अनिल बोलू जी, अब जो अमेरिका अनिल बोलू उनके आगे पहले वो भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उस केमिकल का इतना भयंकर साइड इफेक्ट था। तो उस केमिकल को जो हथियारों में इस्तेमाल किया करते थे उसके ऊपर अमेरिका पे बैन लगवा दिया। दुनिया भर के लीडरों ने इकट्ठा हो गए, अगर 100 देश इकट्ठे होकर बोलेंगे तो करना पड़ेगा वो काम। तो वो उनपे 1950 में बैन लग गया। अब बाद में अमेरिका के सामने एक संकट आ गया, उन बड़ी कंपनियों के साथ, उन कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ बड़ा संकट ये आया। जैसे भारत में आज कोई टाटा है, कोई बिरला है, कोई अडानी है, कोई और है, ये बड़े जो पैसे वाले हैं वो इसमें पैसा डालते हैं, या तो टेलीकॉम सेक्टर में डालेंगे या गाड़ियां कार बनाएंगे। इसी तरह अमेरिका में जो बड़े लोग हैं वो उन्होंने हथियारों की बड़ी बड़ी कारखाने बना रखे हैं। तो उन लोगों के सामने संकट ये आया कि भाई ये जहर हमारे ऊपर बैन लग चुका है हमारे देश पे, तो इस जहर का, इस केमिकल का क्या करें। तब उनके दिमाग में दूसरा उन्होंने माइंड घुमाया कि इस जहर को हम यूरिया बनाते हैं, इस जहर से हम डीएपी बनाते हैं, इस जहर से हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, और ये खेती में कन्वर्ट कर दिया। उस जहर को वहां से खेती में कन्वर्ट कर दिया। अब खेती में कन्वर्ट कर दिया तो खेती के लिए बाजार कहां ढूंढे। अब बाजार की बात जहां तक बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा बाजार किसी भी चीज को बेचने का हिंदुस्तान है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या। चाइना वाले तो किसी देश को इतनी आजादी देते नहीं, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग बाजार है। चाइना के घर घर में हर चीज बनती है, नैनो टेक्नोलॉजी है वहां का, बच्चा बच्चा छोटी छोटी चिप मोबाइल ये हम जो यूज कर रहे हैं चाइना के घर घर में चीज बनती है। तो वहां बिकने वाला बाजार नहीं है, वहां तो प्रोडक्शन वाला बाजार है। वो तो दुनिया के दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं अपना माल। और भारत एक ऐसा चीज है, भारत में कोई बनाना नहीं सीखता, कोई बना नहीं सकता। बना गया, बनाना आ गया तो बेचना नहीं आता। आपने अगर अनाज बना दिया तो आपको बेचना नहीं आता, बेचना नहीं आ रहा। अब बाजार पे डिपेंड हो, बाजार में अगर सरकार ने आपको 1600 रुपए गेहूं देगी तो 1600 ही बेचोगे आप। बाजार में आपने सब्जियां, आपने ये प्याज लगा रखा है और आप मंडी में ले गए और व्यापारी ने आपको ये बोला कि भाई ये तो मैं 20 रुपए किलो लूंगा, तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद नहीं बेचना आता। तो हमें वो बेचना भी सीखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 10 साल में हमने सीखा है और हमने अपनी चीजें बेची हैं और 10-10 गुना ज्यादा बेची हैं और लाइन में लग के बिक रही हैं। तो वो चीजें सीखनी पड़ेंगी, तब फायदा होगा खेती में। तो हुआ क्या, वो केमिकल और बाजार इसलिए है कि भारत में सबसे बड़ी कमी जो मेरे हिसाब से जो आज तक मैंने महसूस की है ना हमारे देश की राजनीति में, वो दो चीजें हैं। हमारे देश के जो नेता है ना वो सबसे दो कमियां उनके अंदर हैं। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा किसी, मैं 1947 के और 2018 के बीच में जितने भी नेता हुए ना उसमें 99% नेताओं का हालात ये है, किसी भी पार्टी का हो वो, हमारे देश के नेताओं का एक तो जेब के कच्चे हैं और दूसरा लंगोट के कच्चे हैं। जेब के कच्चे का मतलब, अगर दुनिया के किसी, दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, किसी भी देश की किसी भी कंपनी ने 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लाके दे दिए, किसी भी मंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कृषि मंत्री हो, या कोई हमारी अगर सेना का कोई सामान खरीदना है तो चाहे वो सेना का अपना रक्षा मंत्री हो, किसी मंत्री को 200 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए किसी कंपनी ने दे दिए तो उस मंत्री से हमारे देश को बेचने का आप एग्रीमेंट करवा सकते हो। बड़ी खुशी खुशी बड़े राजी होके वो कर लेगा, क्योंकि यही एग्रीमेंटों की बदौलत है कि आज 10,000 कंपनी हमारे देश में आ चुकी है। तो ये हमारे देश की राजनीति में सबसे बड़ी कमी है कि वो देश के बारे में कम सोचा आ गया उनके पास, तो कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार है वो। उसमें चाहे लाखों किसानों की जमीनें जाए, चाहे लाखों किसानों का बेघर हो, चाहे उनका जहर से उनकी उनमें, चाहे करोड़ों लोगों में हिंदुस्तान में कैंसर फैले, चाहे हिंदुस्तान के पंजाब से बीकानेर के लिए चाहे कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन चले, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ये कमी होगी। दूसरा क्या होगा कि लंगोट के कच्चे, ये आप आए दिन रोज टीवी पे देख ही रहे हो, थोड़ा सा रंग रैलियां करवा दो उनकी और कुछ भी उनसे करवा लो। तो ये दो कमियों के कारण ये बाजार उनके लिए खुला है विदेशियों के लिए। कोई भी कंपनी आएगी यहाँ कुछ भी बनाएगी, यूरिया बनाए, डीएपी बनाए, पेस्टिसाइड, तो 1950 के बाद वो कंपनियां भारत में इंटर कर गई। नया नया आजादी मिली देश को, आजादी, नए नए नेता बने, नए नए प्रधानमंत्री बने, नए नए मंत्री बने, उन सबको थोड़ा थोड़ा जेब में डाला
और उनसे अग्रीमेंट करवाए और भारत के अंदर कंपनियों ने अपना पैर जमा लिया। आपको पता है 1955 के अंदर भारत में एक बड़ा मूवमेंट चलाया गया और वो आज तक ही चल रहा है, हरित क्रांति का नाम सुना होगा आपने, ग्रीन रिवोल्यूशन। वो हरित क्रांति का जो नारा था ना, वो सरकारों ने जब दिया था जब वो कंपनी भारत में आ चुकी थी और उन कंपनियों ने बाज तो माल बिकवाना है, तो जिस मुख्यमंत्री के या जिस मंत्री के हाथ में 200-500 करोड़ आ जाए तो वो कंपनी की मदद करेगा या आपकी करेगा, कंपनी की करेगा। तो उस मंत्रियों ने, उन सरकारों ने क्या किया कि उस समय एक नारा पूरे देश में लगाया कि भाई अन्न हमारा कम हो चुका है, अन्न हमारा, अन्न से वैसे मैंने तो नहीं सुना कि हमारे पूर्वज भूख से मर गया कोई, ऐसा नहीं, झूठी अफवाह कुछ भी फैला दो, भूख से हमारे देश में हजारों साल में कोई मरा नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा समय आ गया, कभी काल पड़ गया, वो एक अलग कालखंड होते हैं, पर भूख से नहीं मरा हिंदुस्तान का कोई आदमी। तो हुआ क्या कि वो कंपनी हमारे देश में आ गई और उनकी मदद करने के लिए फिर हरित क्रांति चलाई गई, और उस हरित क्रांति के अंदर क्या आया कि यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, ये सब किसान को समझाया गया। किसान ने तो ये नहीं बनाया, किसान ने तो जहर नहीं बनाया, पर किसान को समझाया गया कि भाई ये डाल लो, इससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, इससे आपको फायदा होगा, उसको तरह तरह के लालच देंगे, क्योंकि फायदा कंपनियों को होना था। तो उन्होंने आपको समझाया, और समझा उसमें शामिल सब थे, सरकारें भी शामिल थी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी शामिल थी, सरकारों के डिपार्टमेंट भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे। क्योंकि डिपार्टमेंट क्या करेगा, अगर कोई कृषि मंत्री आपको ये बोले, आदेश दे कि ये नीतियां चलानी है, तो वैसे ही चलेंगे ना। तो ये ऐसा हमारे देश में पिछले 50-60 साल से चलता आ रहा है, और उस चलते आ रहे से पहले बोला कि 2 किलो यूरिया डालो, फिर बोले 10 किलो डालो, फिर बोले 1 कट्टा डालो, फिर बोले 5 कट्टे डालो। हरियाणा में कुछ मैंने ऐसे ऐसे देखे जहां एक एक एकड़ जमीन में 8-8, 10-10 कट्टे डालो। इसार में एक गांव पड़ता है शहाड़वा, और वो भारत में सट्रावेरी के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध है। साहब आपने कभी सुना हो नाम सट्रावेरी? सट्रावेरी एक वो होता है, उसके क्षेत्र में करीबन उस गांव में 700-800 एकड़ जमीन में सट्रावेरी होती है। मैं उन किसानों के पास गया और वो सट्रावेरी में उन्होंने मेरे को बताया कि हम सट्रावेरी के अंदर 10-10 बैग तो डीएपी के डालते हैं एक एकड़ में, और 30 बैग यूरिया के डालते हैं, 30 बैग। अब वो सट्रावेरी फिर बाजार में जा रही है और वो सट्रावेरी हम खा रहे हैं, तो उससे क्या हमारा हालात होगा? आप अगर आधा किलो सट्रावेरी खा लो तो मुंह में फल्ले आ जाएंगे आपके और दस्त लग जाएंगे आपके, क्योंकि वो जहर है पूरा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम खराब हुआ था उसका मेन कारण था ये। बड़ी लोबी, बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं जिन्होंने पूरी दुनिया भर के बड़ी बड़ी सरकारें क्या सब लोगों को चुंगल में कर रखा है, और वो जैसा चाहते हैं वैसी नीतियां देशों में बनती हैं, और वैसे ही हमारे भारत में नीतियां बनती आई हैं, और फिर उनके मददगार फिर हमारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी, फिर राज्य सरकार आएगी, और फिर राज्य सरकार से अधिकारियों को जैसे आदेश मिलेंगे वैसे करने पड़ते हैं। तो ये सत्य है साहब, ऐसा हमारे देश में हमारी खेती को बर्बाद करने का जो रास्ता था वो ये था। इस चीज को मान रहे हो या कोई डाउट है? अब इसको ठीक कैसे करें हम, वो है भाई, हमारी खराबी तो आ गई, हमारी खेती तो खराब हो चुकी है, अब इसको सुधारा कैसे जाए, वो चीजें हमें समझनी जरूरी है। उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो है हम खुद कर सकते हैं, और मैं वही बताऊंगा आपको, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा नहीं, दूसरा फिर बाजार पे डिपेंड होना पड़ेगा आपको। एक तरीका है आप खुद कर सकते हैं, खुद कैसे कर सकते हैं, जो हमने 10 साल में किया वही चीज मैं आपको बताऊंगा। आपका जो गेहूं बिकता है वो क्या भाव बिकता है? 1500। 10 साल से हमारा जो गेहूं बिक रहा है वो 4000 बिक रहा है। कारण है उसका, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आ रहे हो 2 मन फालतू हो 4 मन फालतू हो 40 से 50 हो 50 से 60 हो, ऐसा सोच रहे, बढ़ाने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। 2 मन कम करके अगर क्वालिटी बनाओगे, क्वांटिटी की तरफ ध्यान है आपका, मतलब आप बढ़ा रहे हो क्वांटिटी, आप अगर उसमें प्रोडक्ट में क्वालिटी लेके आओगे तब आपको फायदा होगा। आपके पास अगर कोई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, क्वालिटी का मतलब शुद्ध, बिल्कुल क्लियर, कोरी किताब है भाई, कुछ नहीं, दाना डाल दिया हमने जमीन में और बाहर से कोई केमिकल नहीं लाए, हाँ देसी जो हमारे तरीके हैं उन सबसे हमने कर लिया, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बनेगी। वो प्रोडक्ट का मतलब वो आपका गेहूं भी हो सकता है, वो आपकी जितनी भी अनाज है वो हो सकते हैं, जितनी भी सब्जियां हैं वो हो सकती, खेती में जो कुछ इस जमीन में कर सकते हो वो प्रोडक्ट है आपका, उसको आपको क्वालिटी देनी पड़ेगी। आपने अगर क्वालिटी दे दी तो गारंटीड है आप जो रेट तय करोगे वही बाजार को लेना पड़ेगा,
मेरे पास गेहूं था, आपको बताऊं अभी फायदा क्या, आप ये सोचोगे कि फायदा कैसे हुआ वो बताता हूं। सबसे पहली बार जब हमने खेती की ना, तो एक एकड़ में हमने बीज भी देसी बोया पूरा, कहीं किसी कंपनी से बीज नहीं लिया, देसी बीज, और उसके बाद उसमें बिना जहर के बोया, तो पहली बार उसमें हुआ 50 मन। और फिर भी घरवालों ने अगली बार किया क्योंकि फायदा हुआ उसमें। जो हमारा 22-23 मन गेहूं हुआ, वो मैंने पहली बार 3500 रुपए क्विंटल बेचा था, क्योंकि मैंने ऐसा माहौल तैयार कर दिया था। मैंने जिस दिन गेहूं बोया उसके 6 महीने बाद तो गेहूं निकलेगा, 5 महीने 4-6 महीने बाद, तब तक तो इतने लोग आ गए खरीदने वाले कि भाई एक बोरी मेरे को दियो, एक बोरी मेरे को दियो, एक बोरी मेरे को दियो। आज जो अपने युवा भाई बैठे हैं, सबके पास इंटरनेट है, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, आप लोगों ने अगर अपने खेत में ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी, जैविक खेती शुरू कर दी, बिना जहर की खेती शुरू कर दी, और आपने 4 सेल्फी लेके खेत के साथ, 4 फोटो लेके, और आपने व्हाट्सएप फेसबुक पे डाल दिया, तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए ना, हर आदमी के साथ 5-7 हजार लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं, और वो अगर डाल दिया तो आपके पास कस्टमर तो भरे पड़े हैं भाई। 10 हजार आदमी में क्या 10 कस्टमर नहीं आएंगे आपके पास? और 10 कस्टमर आएंगे तो आपके खेत का अनाज तो बिक जाएगा, चाहे कुछ भी बोलो आप, बिक जाएगा। बेचना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, क्वालिटी बनाना मुश्किल है। आपने अगर क्वालिटी 50 साल से जमीन में 3 चीज डाल रहे हो, कुछ किसान तो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट हैं, वो बाहर से जिंक डाल देंगे, बाहर से सल्फर डाल देंगे, बाकी पोषक तत्व तो कहां दे रहे हैं इस जमीन को? अब बाकी पोषक तत्व तो ना देने की वजह से ही बीमारी हो रही है, चाहे वो फसल की बीमारी हो और चाहे हमारे अंदर की बीमारी हो। जब से इस जमीन को जहर देना शुरू किया है ना, हमने अपनी इस माता को जहर दिया है, तब से ही हमारे अंदर बीमारी आई है और हमारे को जहर लेने की जरूरत पड़ी है। आज से 40 साल पहले जहर खाता था क्या कोई? जहर उसी दिन से हमारे शरीर में आना शुरू हुआ है, उसी दिन से हमने एलोपैथी का सहायता ली है, जिस दिन से जमीन को एलोपैथी दे दी हमने। तो अब वो तरीका कैसे ठीक होगा? अब वो केमिकल, वो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो केमिकल की पूर्ति कर देंगे, बाहर से केमिकल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि गोबर गोमूत्र है वो सारी चीज है। तो 4 बीघे के लिए फॉर्मूला क्या है? 10 किलो गोबर लेना है 4 बीघे के लिए, सिर्फ 10 किलो गोबर होना चाहिए देसी गाय का, बाकी का नहीं। अब गाय आपके पास कितने के पास है, क्या है, वो आपको सोचना है, नहीं तो लेके आने पड़े। भैंस के अंदर 4-5 तरह के ही होते हैं, भैंस में उतना फायदेमंद नहीं होता, और गोमूत्र है ना वो भी गाय का ही बढ़िया होता है, बाकी किसी भी जानवर के गोमूत्र में वो ताकत, वो जीवाणु, वो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन। एक साल में उनकी जो गौशाला की जो टर्नओवर है ना, जो गौशाला का जो ऑडिट रिपोर्ट है, 3 करोड़ रुपए का गोमूत्र वो गौशाला बेचती है, 3 करोड़ रुपए का गोमूत्र गौशाला बेचती है, क्योंकि गोमूत्र से तो कैंसर तक ठीक हो रही है अपने देश में। ये तो पंचगव्य की पूरी चिकित्सा की एक नई विधि बन चुकी है। अभी तो तमिलनाडु में कांचीपुरम नाम का एक शहर है, वहां पे विश्व का पहला पंचगव्य विश्वविद्यालय खुल चुका है, मतलब जो देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, लस्सी, इन्हीं से दवाइयां बना के और डॉक्टर तैयार हो रहे हैं वहां पे, और वहां से हजारों डॉक्टर निकल चुके हैं देश के अंदर। ये कांचीपुरम में पंचगव्य महर्षि बाघवट पंचगव्य विश्वविद्यालय खुल चुका है, जो सिर्फ गाय के गोबर गोमूत्र से कैंसर तक ठीक करते हैं, ऐसे डॉक्टर वहां से तैयार निकल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये चाहिए अपने को सिर्फ और सिर्फ गाय का, तो इसका मतलब गाय पालनी पड़ेगी, एक एक गाय देसी हमें रखनी पड़ेगी। गाय भारत की खेती का मूल रीढ़ होती थी, और अंग्रेजों ने ये षड्यंत्र के तहत ही तोड़ी थी। 1757 में पहला कतलखाना कोलकाता में अंग्रेजों ने बनाया था, वो भारत की खेती को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि खेती की सबसे मूल रीढ़ थी वो गाय थी, कतलखाने गाय के खोले गए, वो अलग लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये जो है ना गाय चाहिए आपको, देसी चाहिए। ये दूसरी जो जर्सी, ऑस्ट्रियन, अमेरिकन, फर्जी जो भी आ रही है ना, जर्सी, फर्जी, ये सब बकवास है। ये इनके तो दूध में भी कैंसर, डायबिटीज, सब रोग, अभी दूध की भी ग्रेडिंग हो चुकी है दुनिया में। आप सबको सब पता होगा A2 मिल्क और A1 मिल्क ग्रेडिंग हो चुकी है। तो A2 मिल्क देसी गाय का ही होता है, A1 मिल्क होता है इन जर्सी, इनका और भैंसों का, तो वो मिल्क। अब आपने सुना नहीं क्या, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि जैसी दूध वैसी बुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन। अब बुद्धि हमारी खराब जो हुई है ना, इसमें सबसे बड़ा रोल हमने देसी गाय का दूध पीना बंद कर दिया, तब से हुई है।
और मन हमारे खराब हुए हैं ना, हमारे शरीर में बीमारियां आई, हमारे मन दूषित हुए हैं, उस सब का भी बड़ा कारण है ये जहर खाना शुरू कर दिया। भाई हमारा अनाज ही शुद्ध नहीं होगा तो हमारा मन कहां से शुद्ध होगा, हमारा दूध ही ठीक नहीं है। दूध के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, भैंस जब से हमारे देश में आई है ना, इस भैंस के दूध में गुण होता है। गुण क्या है कि भैंस के अगर दो वो जामगे पड़े और वो बड़े होकर बन गए जोटे 3 साल 4 साल के बाद, और दो जोटे एक गांव में रहने लगे तो झगड़न लगे। एक गांव में दो जोटे देखे आपने क्या, नहीं होते ना, खागड़ सांड 50 हो जाएंगे पर जोटे दो नहीं होंगे। एक जोटा बंधा होगा तो भी वो उसको मारने भागेगा, मैंने तो ऐसा सुना है, ऐसा ही है ना। इसका मतलब सीधा सा हुआ कि एक ही माँ थी उनकी दोनों भाइयों की, और उसके अंदर गुण ये था दूध के अंदर कि वो झगड़ालू था, मतलब उस दूध में झगड़ने का गुण है। हिंदुस्तान के लोगों ने 50 साल से इस भैंस नाम के जानवर का दूध पीना शुरू कर दिया, जब से गाय का छोटा है तब से घर में भाई भाई का झगड़ा बढ़ गया, माँ बाप का बढ़ गया, पति पत्नी का बढ़ गया, घरों में जो झगड़े बढ़े हैं ना, परिवार जो टूटे हैं, उसका मूल कारण ये दूध ही है। इस दूध से बुद्धि खराब होगी हमारी, ये सत्य है साहब, इसको मानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। दूध देसी गाय का ही बढ़िया होता है, उत्तम दूध होता है, पीने में भी बीमारियों में भी निरोगा दूध बोलते हैं। तो इसलिए एक तो दूध बढ़िया मिलेगा और एक देसी गाय से आप 120 बीघे में खेती कर सकते हैं। 2 किलो चाहिए आपको पुराना गुड़, बिल्कुल काला, जिसको ना आप खाएं ना पशु खाएं, रसकट बिल्कुल खराब, 2 किलो गुड़। और 2 किलो चाहिए आपको आटा, दाल का, चना मूंग मोठ जो आपके घर में है वो आटा उसमें डाल दो, 2 किलो। और आपको 1 किलो चाहिए पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी, बड़, पिपल या नीम, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उस पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए आपको, क्योंकि वो जो पेड़ है वो 50 साल पुराना पेड़ है, उस पे 50 साल से पक्षी बैठ रहे हैं और उसके अंदर जो बीट जा रही है और फिर पत्ते 50 साल से गिर रहे हैं, और उससे उस पेड़ के जड़ के नीचे की जो मिट्टी है ना, उसमें करोड़ों करोड़ों जीवाणु है। वो 1 किलो मिट्टी आपने उठा ली और 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्राम ले, उसमें डाल दे सारी चीज, ये 25 किलो का घोल बनेगा। 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो दाल का आटा और 1 किलो मिट्टी, ये 25 किलो मटेरियल है, ये ड्राम में डालो और रोजाना डंडे से घुमाओ 10-12 बार, 10-12 बार उल्टा, 10-12 बार सीधा, 8 दिन में ये घोल तैयार हो जाएगा। इसके अंदर करोड़ों करोड़ों जीवाणु होंगे, सारे पोषक तत्व होंगे, जितने भी न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन अपनी धरती माँ को चाहिए वो सब इस जीवाणु घोल के अंदर हो जाएंगे। और वो जीवाणु घोल जिस दिन अपने को डालना है उस दिन उसमें 10 गुना ज्यादा पानी मिला लो, मतलब वो ड्राम जो 200 लीटर का है वो पूरा आप भर लो पानी का। अब इसको डालना कैसे है, कब डालना है, और सभी फसलों के लिए, चाहे वो फसल आपकी सब्जी की हो, चाहे वो आपने बाग लगा रखा हो, या अपने अनाज लगा रखा हो, या अपना हरा चारा हो, कुछ भी हो, सब फसलों के लिए है। इससे बढ़िया खाद दुनिया में कुछ हो नहीं सकती इस धरती माता के लिए, क्योंकि हमने ये 10 साल से अनुभव किया है और हमने नहीं, ऐसे हजारों किसानों ने किया है। तो ये क्या करना है, सब करना है, जब आप कोई भी फसल खेत में तैयारी करते हो उगाने की, बीजने की, बिजाई से पहले सबसे पहले डालना पड़ेगा। कब, जब आप पानी लगा दो ना खेत में, नमी हो आपके खेत में, उस टाइम पे पानी लगाते इसको घोल को छिड़क दो, बाल्टी भरो और डोलू से खेत में जैसे जमीन को भिगोते हैं ऐसे छिड़क दो, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, 4 बीघे में 1/2 घंटे के अंदर हो जाएगा, क्योंकि मेरा किया हुआ है, मेरे को पता है 1 एकड़ में 1/2 घंटा लगता है, तो 1/2 घंटे में वो, क्योंकि 200 लीटर का है वो, 200 लीटर मटेरियल बना, बाल्टी 20 लीटर की है, उस बाल्टी को आप भर के छिड़कोगे तो कितनी बाल्टी, 20, तो वो 20 बाल्टी में 1/2 घंटा लगना है, बहुत लंबा चौड़ा, मतलब मेहनत, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और नहीं मेहनत कर सकते तो फिर मैं आपको एक फॉर्मूला और भी बता दूंगा। तो ये हो गया आपका खाद, इस ये डाल दी तो यूरिया और डीएपी और जो भी सुपर सल्फर जो भी डाल रहे हो भूल जाओ, कुछ नहीं डालनी है, क्योंकि वो सारे पोषक तत्व आप किसी भी लैब में टेस्ट करवा लेना, भरपूर मात्रा में है इसमें। और जब टेस्ट क्या करवा लेना, हमें तो पूरा विश्वास है, हम 10 साल से कर रहे हैं, आप करोगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा, ठीक है ना, नुकसान नहीं होगा आपका कोई भी, 1 रुपए का आपका खर्चा नहीं लगेगा, कहीं बाजार में जाना नहीं पड़ेगा, आप खुद मैन्युफैक्चरर बन जाओगे खाद बनाने के,
खुद की खाद खुद बनाना, ठीक है ना। अब उसके बाद ये तो हो गया हमारा खाद का, पहली बार डाल दिया हमने बिजाई के टाइम, एक बार से काम नहीं चलेगा। उसके बाद कब डालना है, जब भी आप पानी लगाओ, सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊं तो पहले जब बिजाई की उसके 21 दिन बाद जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है ना, 21वें दिन डालना है आपको, और उसके बाद हर 21वें दिन का ही फॉर्मूला मान के चलो आप। लगभग महीने भर में पानी लगाना ही पड़ता है, तो जब भी आप पानी लगाओ तो पानी पानी के साथ साथ इसकी मिट्टी के अंदर बैठ जाएगा, सारे पोषक तत्व चले जाएंगे, सारे जीवाणु चले जाएंगे और जबरदस्त काम हो जाएगा। तो लगभग आपकी 5 महीने की फसल है तो 4-5 बार डालना है, 4 बार आप एवरेज मान के चलो, 4 बार तो आपको डालना ही है। जब भी आपको डालना हो, आपको बिजाई करनी है, उससे 10 दिन पहले बनाना पड़ेगा। एक ड्राम खरीदना पड़ेगा, वो 500-700 का आएगा, वो रेगुलर आपका चलता रहेगा सालों साल तक। 4 बीघे के लिए एक ड्राम, आपके पास 50 बीघे करने हैं तो उसके हिसाब से आप ड्राम बढ़ा लेना। ये है खाद का। अब वे पहले तो क्या है कि जब धीरे धीरे आप 2-3 साल रेगुलर करोगे ना, तो फसलों में रोग ही नहीं आएगा, रोग ही नहीं आएगा। कारण रोग कैसे आता है, वो जड़ को पकड़ना पड़ेगा। रोग आ कैसे रहा, आपके अंदर रोग कैसे आ रहा। आप यहां बैठे हैं, इनमें से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, गठिया बाह है, ऐसे हैं क्या? कितने हैं, हाथ ऊपर करना। चलो अब मैं बताता हूँ ये क्यों हो रहा है। समझो इस बीमारी को, समझो आप, मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना अगर आपके घुटने का ठीक कर सकता है ना, नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका जाके घुटने का ऑपरेशन करवाए, उसके बाद तो खड़े नहीं हो पाए कभी। मतलब उससे बड़ा तो पैसे में खर्च करने वाला देश का प्रधानमंत्री, वो आदमी जिस दिन ऑपरेशन करवाया उसके बाद तो कुर्सी से उठ नहीं पाया, तो हम कहां बैठ पाएंगे।